एक गांव में शारदा नाम की एक वृद्ध महिला रहती थी। वो बहुत अमीर थी। वो हमेशा पैसों के बारे में ही सोचती थी। शारदा का बेटा रमेश भी पैसे का बहुत लालची था। अपनी माँ की ही तरह वो हमेशा अपने बेटे की शादी किसी अमीर लड़की से कराना चाहती थी ताकि कोई इसे परेशानी ना हो। तभी एक दिन शारदा कहती है, अरे बेटा, तुम्हारी शादी के बारे में सोच रही हूँ, कोई लड़की पसंद है तो बताओ। माँ, मैं एक बहुत अमीर लड़की से शादी करना चाहता हूँ ताकि शादी के बाद उसकी सारी संपत्ति मेरे नाम हो जाए। और है से जनो एकमात्र मेये हय घरेर, तार कोनो भाई बोन जनो आर ना हय। आमार एरकम मेये चाय, एरकमई खोजो माँ। ठीक है बेटा, मैं इस काम में लग जाती हूँ, कल तुम्हें इस बारे में फिर बताऊंगी। ठीक है माँ। शारदा अगले ही दिन पंडित जी को बुलाया और उसकी जो जो शर्तें थी वो उसे बता दी। पंडित जी ने भी उनकी आवश्यकताओं के अनुसार एक लड़की का चयन किया और उसके सारे विवरण लेके शारदा के घर चले गए। उस दिन जब पंडित जी घर पे आए तो रमेश बहुत हड़बड़ी में कहीं बाहर जा रहा था। देवी जी, जैसा आपने चाहा था वैसी ही लड़की मैंने ढूंढा है। अरे रमेश, इधर आना जरा। माँ, एक जरूरी काम है, मुझे जल्दी जाना होगा। आपको तो सब पता है, आप देख लो ना कैसी है वो। नहीं बेटा, एक बार तुम देखोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, बताइए पंडित जी। बहुत खुश हूँ बाबू, लड़की का नाम अनामिका है। उसकी माँ नहीं है, पिताजी व्यापार करते हैं। पिताजी की दूसरी शादी के बाद लड़की अकेली है, पर वो बहुत अमीर है और जैसा आपने कहा उसके कोई भाई बहन भी नहीं है। ठीक है, फिर ये शादी तय कर दो माँ। पर यहाँ एक छोटी सी समस्या है। क्या है पंडित जी? लड़की थोड़ी सी काली है। काली है तो कोई बात नहीं, मेकअप वेकअप करके उसका रंग गोरा कर देंगे। क्या कहते हो बेटा, तुम तैयार हो कि नहीं? ठीक है माँ, जल्दी शादी की तैयारी करो फिर। कोई सगाई की जरूरत नहीं, एक हफ्ते में ही शादी तय कर दो। रमेश के हाँ कहते ही शारदा शादी की तैयारी में लग जाती है। रमेश जैसा चाहता था, लड़की को मेकअप शेकअप करके उसे अच्छे तरह से खूबसूरत और गोरा बना दिया जाता है। फिर सभी की उपस्थिति में धूमधाम से शादी हो जाती है। जैसे ही शादी हो जाती है, अगले दिन सारे रिश्तेदार अनामिका को देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। रमेश उनकी बातों पर कान नहीं देता, पर शारदा को ये सारी बातें थोड़ी बुरी लगती है। उसके ऊपर पड़ोसी पार्वती वहाँ आकर अनामिका को खड़ी खोटी बातें सुनाने लगती है। अरे शारदा बहन, बड़ी अच्छी बहू लाई हो। अच्छा किया कल रात में तुमने लाइट ऑफ नहीं किया, नहीं तो बादल में तुम्हारी बहू ठीक से दिखती नहीं। पार्वती की ये बातें सुन के शारदा को बहुत बुरा लगता है। पार्वती के साथ साथ कुछ और महिलाएं भी शारदा का मजाक उड़ाती है। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाता है। शारदा ऐसी खरी खोटी बातें सुन के अब थक चुकी थी। तभी एक दिन वो अपने बेटे से दिल की बात कहती है। अरे बेटा, मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ी गलती हो गई। सभी लोग मजाक उड़ा रहे हैं, खरी खोटी बातें सुना रहे हैं बहू के काले रंग को लेकर। मैं भी बहुत अपमान सह रहा हूँ माँ। अब मैंने एक फैसला ले लिया है। शादी के 6 महीने हो चुके हैं, फिर भी अपमानित होना कम नहीं हो रहा है। पत्नी के काले रंग की वजह से लोग हंस रहे हैं। तो तुमने क्या फैसला लिया? मैं फिर से शादी करूंगा माँ। ऐसी काली लड़की लेकर मैं जिंदगी भर नहीं जी सकता हूँ। एक अच्छी लड़की, जो लड़की बहुत सुंदर हो। ठीक है बेटा, पर अनामिका का क्या होगा? मैं उसे घर से निकाल दूंगा और कहूंगा कि सारा जायदाद अभी के अभी वो मेरे नाम कर दे। वैसे भी लड़ने के लिए उसके घर के तरफ से कोई है नहीं, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। ठीक है बेटा। रमेश के कहे मुताबिक शारदा रमेश के लिए फिर से दुल्हन ढूंढने लगती है। अनामिका को जब पता चलता है सासू माँ और पति क्या कर रहे हैं, तो वो बहुत रोती है। खाना परोसते वक्त एक दिन वो अपनी तकलीफ उन्हें बताती है। सासू माँ, आप लोग इस तरह से मेरे साथ धोखा मत कीजिए। आप लोग जो कर रहे हैं वो गलत है। आप बहुत अन्याय कर रहे हैं, क्योंकि मेरा कोई नहीं था। ये सोच के मैं खुश थी कि मुझे एक नया परिवार मिला है। मुझे इस तरह से मत निकालिए। शादी से पहले ही आपको बता दिया गया था कि मेरा रंग काला है। फिर शादी क्योंकि इस तरह निकालेंगे तो आप लोग भी कभी खुश नहीं रहेंगे। देखो, इस तरह से मुझे धमकी देके कोई फायदा नहीं। अब तुम खुद ही देख लो तुम्हें आगे क्या करना है। ऐसी बातें सुन के अनामिका को बहुत तकलीफ होती है। वो बहुत रोती है, फिर भी शारदा का दिल नहीं पिघलता। उसके 2 दिनों के बाद रमेश एक खूबसूरत लड़की को घर ले आता है।
उसे देखकर अनामिका का जैसे दिल ही डूब जाता है। माँ, इस लड़की का नाम है सावित्री, ये अब तुम्हारी नई बहू बनने वाली है। बहुत ही सुशील और खूबसूरत लड़की है। जल्दी से शादी की तैयारी करो, सबको बताने की जरूरत नहीं, मंदिर में ले जाके शादी करा दो बस। रमेश और शारदा की बातें सुन के अनामिका रोते रोते उसके पास पहुंचती है। अनामिका को इस तरह रोते देख सावित्री उसे घूर के देखने लगती है। सावित्री को अनामिका के बारे में पहले से कुछ नहीं पता था। अजी, आप इस तरह से अन्याय कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। सासू माँ, आप एक महिला हो के आप मेरे साथ ऐसा कर रही है, ये बहुत गलत है। मेरी तकलीफों को आप समझने की कोशिश कीजिए। देखो, तुम दूर रहो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। अजी, आप तो मेरी तकलीफ समझिए, ऐसा अन्याय मत कीजिए। अनामिका को इस तरह से आंखों में आंसू लेके बिनती करते देख रमेश को और गुस्सा आ जाता है। उसकी बात सुनके रमेश आग बगुला हो जाता है। फिर रमेश अनामिका को जोर जोर से पीटने लगता है। अनामिका रोती है, बिलखती है, फिर भी उसे रमेश पीटता ही रहता है। तभी अचानक अनामिका बेहोश होकर गिर जाती है। सावित्री ये देखकर बहुत चिंतित हो जाती है और जल्दी से अनामिका को अस्पताल ले जाती है। अनामिका की जांच करके डॉक्टर कहते हैं कि अनामिका गर्भवती है। फिर घर लौट के सावित्री रमेश और शारदा को वार्निंग देती है। अनामिका गर्भवती है, आप एक महिला हो के दूसरी महिला को इस तरह से कैसे परेशान कर सकती है? अगर मैं इस घर में बहू होके आती हूँ तो मेरी जिंदगी कैसी होगी, मैं ये समझ गई हूँ। शारदा जी, अपनी सोच बदलिए और खुद को भी बदल लीजिए। ऐसा नहीं है सावित्री, तुमने छुपाया कि तुम्हारी पत्नी है। तुम मुझे ठग के शादी करना चाहते थे। तुम्हें ये बात पता भी है कि ये कितना बड़ा गुनाह है। अभी भी कहती हूँ बदल जाओ और अनामिका को इस हालत में बिल्कुल तकलीफ मत दो। उसके पेट में तुम्हारा बच्चा है, अपने लालच को कम करके खुश रहना सीखो। अनामिका को अगर कुछ हुआ तो फिर मैं देखूंगी। सावित्री ऐसा कह के वहां से चली जाती है। सावित्री की बातें सुन के शारदा और रमेश में बदलाव आता है। शारदा को पता था कि अनामिका गर्भवती है, वो उसके पास जाती है। रमेश वहां से चला जाता है। तब से शारदा गर्भवती अनामिका का बहुत अच्छे से ख्याल रखने लगती है और इस बात का भी ख्याल रखती है कि अनामिका को कोई परेशानी ना हो। रमेश ने भी जोक किया, उसके लिए उसे बहुत बुरा लगा और बाद में अच्छे से रहने लगा। एक गांव में शारदा और अनामिका सास बहू रहा करती थी। वो किसी से भी बहुत अच्छी तरह से बात करते थे और अपनी बातों से उन्हें मंत्रमुग्ध कर देते थे। अनामिका को पैसों में बहुत दिलचस्पी थी। जब भी वो कोई काम करती थी तो हमेशा यही सोचती थी कि वहाँ से पैसे कैसे कमाया जाए। अमीर होने के लिए सास बहू को सही दिशा नहीं मिल रहा था। वो दोनों बस अवसर के तलाश में थे और दिन काट रहे थे। एक दिन उनके पड़ोसी पार्वती उनके यहाँ आती है। उसे देखकर अनामिका कहने लगती है, अरे 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 अरे, किसे ऐसे भगा रही हो? अरे रे, आपको नहीं पार्वती दीदी, वो कुत्ता घर के अंदर आ गया था, उसे भगा रही थी। पर आज यहाँ आप मरने के लिए क्यों आई है? ऐसा क्यों कह रही हो? बस दीदी, मैं पूछ रही हूँ, आप यहाँ आज कैसे आई? वो घर पे टमाटर नहीं है, उन्हें सब्जी में डालने थे, टमाटर खत्म हो गए हैं। तुम्हारे पास है तो दो टमाटर दे दो। अरे अरे, मेरे घर में भी खत्म हो गया है, अब क्या करें दीदी? पर तुम्हारे घर में तो थे ना। रुको, मैं दीदी से पूछती हूँ। शारदा दीदी। कौन है, इस तरह से कौन बुला रहा है? मैं हूँ दीदी, पड़ोसी पार्वती। क्या हुआ पार्वती, अभी भी तुम फेयर एंड लवली इस्तेमाल करती हो? आपको कैसे पता? तुम्हारा चेहरा देख के ही समझ गई थी। बहुत पहले तुमने मेरे घर से फेयर एंड लवली चुराया था ना, इसीलिए पूछा, अभी भी लगाती हो कि नहीं? मैं चोरी क्यों करूं दीदी, जरूरत पड़े तो मैं खरीद नहीं सकती हूँ क्या? अच्छा, ये सब छोड़िए, मुझे टमाटर चाहिए था। अगर आपके पास है तो मुझे दो टमाटर दीजिए। अगर टमाटर चाहिए तो अपने घर से बैगन ले आओ, तभी मैं तुम्हें दूंगी, नहीं तो नहीं दूंगी। टमाटर भी नहीं चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। मैं दूंगी, पहले लेकर तो आओ। अरे, भाग क्यों रही हो? शारदा की ऐसी बातें सुनके पार्वती वहाँ से भाग जाती है। सासू माँ की हरकत देख के अनामिका जोर जोर से हंसने लगती है। अरे सासू माँ, आपने ऐसा क्या किया कि वो यहाँ से खिसक ली? बहुत पहले भी वो आया करती थी, रोज रोज कुछ ना कुछ मांगने के लिए। तो मैंने उसे कहा था घर से जाके सब्जी ले आओ, फिर वो जैसे ले आई मैंने कहा तुम्हारी सारी सब्जियां खराब है,
और मैं अपने घर के एक टोकरी में उसे सजा के रख ली। उसके सारे सब्जियां खत्म हो गए ये देखकर वो बहुत डर गई। तब से इस सदमे के कारण वो इस तरफ कभी नहीं आती थी। शारदा की ऐसी बातें सुन के अनामिका हंसने लगती है। सास बहू में जब हंसी मजाक चली रही थी तभी टीवी पर टमाटर को लेकर एक खबर आती है। टमाटर के भाव बहुत बढ़ गए हैं। अब सोने से भी ज्यादा भाव में टमाटर बिक रहे हैं। लोग टमाटर खरीदने के लिए लंबी कतार में खड़े हो रहे हैं। कुछ लोगों ने जायदाद बेच दी है बस टमाटर खरीदने के लिए। ये कैसी खबर आ रही है टीवी पे? कुछ अजूबा जैसा लग रहा है। टमाटर उगाने वाले किसान अब करोड़ों के भाव की गाड़ियां खरीद रहे हैं। दूसरी तरफ युवा पीढ़ी कह रही है अगर नौकरी ना देना है तो ना दे, बस हर महीने 5 किलो टमाटर दे दे, नहीं तो वे आंदोलन करेंगे। ये खबर सुनते ही शारदा बेहोश होके गिर जाती है। शारदा के मुंह में पानी छिड़क के अनामिका उसे होश में ले आती है। मैंने जो सुना वो सच है? सच है माँ सच, पर हम एक बार बाहर जाके लोगों के पास जान सकते हैं कि बात सच है या गलत। ऐसा कहकर अनामिका शारदा बाहर जाती है जहाँ कई लोग सब्जियाँ बेच रहे थे, पर वहाँ पे किसी के पास टमाटर नहीं थे। उन्होंने सभी से पूछा, सभी ने कहा कि टमाटर के भाव बहुत ज्यादा महंगे हो गए हैं। एक दिन के अंदर टमाटर के भाव इतने क्यों बढ़े? तभी अनामिका को एक परिकल्पना आती है। सासुमा, मुझे अमीर बनने का एक मौका मिल गया। हम टमाटर मार्ट शुरू करेंगे और बस टमाटर बेचेंगे। सोना है क्या जो इस तरह बेचेंगे? अब टमाटर सोने का सामान हो गया सासुमा, आप बस चुप रहिए और देखते रहिए मैं कैसे व्यापार करती हूँ। इस तरह से अनामिका एक सेंटर देखती है और वहाँ पे टमाटो मार्ट शुरू करती है। कई लोगों को पता चलता है टमाटर मार्ट के बारे में, वो वहाँ आके लंबी लाइन लगा देते हैं, पर अनामिका के पास टमाटर ही खत्म हो जाता है। शारदा को टेंशन होती है। अब क्या करोगी तुम? लोग लाइन लगा के इंतजार कर रहे हैं। आपको कुछ नहीं पता सासुमा, आप बस देखते रहिए। फिर अनामिका सभी लोगों को संबोधित करते हुए कहने लगती है, देखिए अभी टमाटर की कीमत बहुत ज्यादा है, इसीलिए हमें उसे बहुत ही सावधानी पूर्वक आपको सौंपना होगा। अच्छा टमाटर देना हमारा कर्तव्य है। आज आप आधी राशि दें और कल आके शेष राशि दें और टमाटर ले जाएं। ऐसा करने से आपको अच्छे और गुणवत्ता टमाटर मिलेंगे। मुझे भरोसा करें और ये जान ले कि मुफ्त में किसी को भी टमाटर नहीं मिलने वाला। अनामिका की ऐसी बातें सुनके लाइन में लगे लोग आधा पैसा दे देते हैं। फिर अनामिका शहर जाती है और वहाँ से टमाटर खरीद ले आती है। वहाँ से वो कम पैसों में खरीद के यहाँ पे बेचती है। इस व्यापार से अनामिका को अच्छा मुनाफा मिलता है। ये देखकर शारदा बहुत खुश होती है। आइए आइए, डंडे के साथ टमाटर का एक भाव, डंडे के बिना टमाटर का एक भाव, बहुत ही गुणवत्ता और अच्छे टमाटर, आइए ले जाइए, स्पेशल ऑफर आपके लिए, पैसों की पूरी गारंटी, याद रखिएगा फ्री में टमाटर नहीं मिलेगा। वाह वाह बहुत बढ़िया बहू, ये देख के मुझे लग रहा है अंबानी रिलायंस मार्ट की तरह हमारा ये मार्ट है। तुम टमाटर मार्ट शुरू करके करोड़पति बन जाओगी, तुम पे बहुत गर्व है बेटा। शुक्रिया माँ जी, अब तक हमें इससे बहुत मुनाफा हुआ है, जब तक उन्हें टमाटर नहीं मिलते हैं ये हमारे लिए अच्छा व्यापार रहेगा। शारदा अनामिका इस तरह सोचते हैं और अपने व्यापार को चारों तरफ फैला देते हैं। हर शहर में वो टमाटर मार्ट खोल लेते हैं। ऐसे फैल गया मानो कि टमाटर मार्ट का मतलब ही अनामिका है। अब वो बहुत फेमस हो चुकी थी। अनामिका कई बेरोजगार लोगों को अपने यहाँ काम भी देती है। कुछ ही दिनों के अंदर अनामिका अच्छी गाड़ी, बंगलो, नौकर चाकर, इस तरह अनामिका अमीरों की लिस्ट में शामिल हो जाती है। शारदा बहुत खुश होती है और अपनी बहू को टमाटर मार्ट से पैसे कमाते देख बहुत उत्साहित होती है। बहू की चतुराई के कारण परिवार एक स्तर पर पहुंच गया और सुखी जीवन बिताने लगा। पूरे देश में अनामिका को नंबर 1 बिजनेस वुमन का अवार्ड भी मिला।